सीएम योगी ने दो मृतक आश्रित महिलाओं को दो दो लाख रुपए की सहायता धनराशि का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता राशि पाने वालों में से एक कोरोना से मृत व्यक्ति की पत्नी शामिल है, जिन दूसरी महिला को आश्रित के रूप में सीएम के हाथों सहायता राशि मिली उसके पुत्र की विद्युत स्पर्शघात से मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में कलावती देवी ने बताया कि मेरे पुत्र को करंट लग गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। वह मजदूरी करके हम लोगों का खर्चा चलाता था। हम गायत्री नगर झरनाटोला के रहने वाले हैं। अभी तक किसी ने मेरी सहायता नहीं की थी। अब जब मुख्यमंत्री के द्वारा सहायता की जा रही है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वहीं दूसरी मृतक आश्रित महिला उर्मिला ने बताया कि मेरे पति की कोविड की वजह से मृत्यु हो गई थी। मैं गायत्री नगर झरनाटोला की रहने वाली हूं। पिछले साल कोविड में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब मुख्यमंत्री योगी के द्वारा 2 लाख की सहायता दी गई है जो कि मेरे बच्चों के पढ़ाई में काम आएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक आश्रित महिला कलावती देवी और उर्मिला देवी ने कहा, सामने देखिए स्कूल पढ़ता है बच्चा? महाराज जी थोड़ा सामने देखिए। दिल्ली से मर गया था, एक को आकस्मिक मृत्यु हो गया था। ये कहाँ के हैं? आज महाराज जी आपको चेक दिए हैं? किस लिए दिया गया है? किस लिए दिया गया है? मैं हमारे बाबू के हत्या हो गया, लाइन मार दिले। फिर नौकरी भी हाँ? नहीं सर, नौकरी ना ही, लेबर ही काम करते रहना बाबू को, हाथ घुट रहना। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के? उनके मिल गए बाबा, जाना चाहेंगे बाबा के लिए? प्रणाम करते, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद। नाम बता दीजिए। कलावती देवी। कहाँ के रहने वाली? गायत्री नगर। सर कोविड में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, इसके लिए। क्या नाम है आपका? कोविड में? हाँ, कोविड के समय हुआ था। आज आप थे? नहीं, लास्ट 4 ईयर से तो कुछ नहीं कर रहे थे, कंप्लीट घर पे थे। उनको डायबिटिक फूट था पैर में, तो वो चल फिर नहीं पा रहे थे, तो घर पे ही रहते थे 4 साल से। उसके बाद फिर कोविड के समय उनकी डेथ हो गई। अच्छा, क्या वजह? ऐसा लग रहा है आज महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको सहायता दी गई? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया था, इतना किए तो बहुत है। मेरे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए उन लोग के काम आएगा, यही सब। क्या नाम है? सर उर्मिला। कहाँ की रहने वाली है? गायत्री नगर झरना टोला।